हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस वर्ड का मतलब समझने वाले हैं, यह हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का यह वर्ड क्या है? ये है आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसो डायलेशन। ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन को समझने से, फिर मूव करेंगे हमारे वैसो डायलेशन से। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो चाहे वैसो डायलेशन हो, दोनों में एक वर्ड कॉमन है, दैट इज वैसो। और ये वैसो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके वैस्कुलर पार्ट को, यानी कि ब्लड वेसल्स को। सो कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन का मतलब क्या हुआ? कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है सकरा होते जाना, सिकुड़ते जाना, और रिलैक्सेशन का मतलब होता है फैलते जाना। तो दोनों का मतलब तो साफ हो गया इनके वर्ड को समझने के साथ ही। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा कंडीशन जहां पे आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, जिनके अंदर ब्लड मूव कर रहा है, और वो ब्लड क्या है, उस ब्लड में आपके न्यूट्रिएंट है, उसमें आपकी ऑक्सीजन है, सेल से लाया गया कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो कुछ भी अगर आपने मेडिसिन लिया होगा तो उस ब्लड के साथ वो मेडिसिन भी है। सो वो ब्लड वेसल्स जिसके अंदर ब्लड मूव कर रहा है उसका डायमीटर सकरा होता जाता है, यानी कि अगर ये हमारा ब्लड का डायमीटर है तो धीरे धीरे ये छोटा होता जाएगा, सिकुड़ते जाएगा, उसकी जो गोलाई है वो छोटी होती जाएगी। तो इसे हम कहते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। और इसके कारण से क्या असर पड़ेगा, जैसा कि हम अपने घर में पाइप का एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अगर हमने नल में पाइप लगाया हुआ है और आगे पाइप पानी निकाल रहे हैं, तो उस पाइप को अगर हम हाथ से दबा दें, उंगली से दबा दें, या थोड़ा सा उसको पुश कर दें, या उसका साइज को छोटा करते जाएं, उसके अंदर पाइप 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 ऐसे करते जाएं, तो आप देखते हो कि उस पानी का प्रेशर बढ़ने लगता है। तो यहां पे सेम चीज होगा, बट पानी की जगह हमारा ब्लड आ जाएगा। सो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से हमारे उस ब्लड वेसल्स में मूव कर रहे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि उस ब्लड को आर्टेरियल वॉल पे प्रेशर ज्यादा रेजिस्टेंस डेवलप करना पड़ रहा है। तो उस रेजिस्टेंस की वजह से सक्रिय होती गई ना, तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। सो उस रेजिस्टेंस की वजह से ब्लड का प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है, और यह हमारे लिए डेंजरस है। ये आपके हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का कारण है। दूसरा जो वर्ड है वह है वैसो डायलेशन, या वैसो रिलैक्सेशन भी बोल लीजिए, मैक्सिमम केस में इसको हम डायलेशन वर्ड यूज करते हैं। सो कॉन्स्ट्रिक्शन का उल्टा है डायलेशन या रिलैक्सेशन। जब अगर ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम के साथ सर्वाइव करना तो डेंजरस होगा, लाइफ थ्रेटनिंग भी होगी। सो हमको कुछ ऐसे ड्रग यूज करने पड़ेंगे जो ड्रग इन कॉन्स्ट्रिक्शन वाले स्टेट ऑफ ब्लड वेसल्स को वापस से इनके ओरिजिनल स्टेट पे लेकर के आए। इसे ही हम कहते हैं वैसो डायलेटर्स। और ये जो प्रोसेस हो रहा है उस वैसो ड्रग की वजह से, यही कहलाता है वैसो डायलेशन। इसके अंदर कई सारे एग्जांपल हैं जिसका पूरा डिटेल फार्माकोलॉजी हमने हमारे मेन चैनल सोशल फार्मेसी में ऐड किया हुआ है अंडर द हाइपरटेंशन ड्रग। तो वहां पे अगर आप डिटेल से जाना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं, यहां पे हम केवल डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये जो हमारा वैसो डायलेशन है वो हमारे उस केस में मदद करेगा जब हम हाइपरटेंशन से परेशान हो रहे होंगे, और कभी ऐसा सिचुएशन भी आता है जहां पे ब्लड वेसल बहुत ज्यादा डायलेट हो जाते हैं, तो उनको भी काउंटर बैलेंस करने के लिए हमको कॉन्स्ट्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में यूजफुल है। उम्मीद करता हूं कि आज का जो डेफिनेशन है, टर्म है, वो आपको इजीली समझ में आया होगा। और अगर समझ में और अच्छे से आना चाहता है तो एक बार अपने घर में पाइप का एग्जांपल को करके देखिए, समझ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।